बहुत खुशी हो रही है आपको। तो बनियू प्रभु तुम्हारे इतना चरण देख ले हम। प्रभु तुम्हारी खलज्जा को का होगा, तुम्हारी जा करिया का पर गई। अरे तुम्हारे कितने तो कांटे लगे का प्रभु। कौन जंगल से छूटे तो कौन जंगल में हो चले आए, कांटे कांटे दखनी के ठसे जावे तो। इतने कांटे लगत रहे तुम्हें पतो नहीं चलो। तुम जैसे भक्तों ने हमें पुकारा, हमने कांटों को दिक्कतों को नहीं देखा। भगवान को इतने कांटे लग गए भगवान को पतो नहीं चलो। और तलक से मोड़ी मोड़ा को अगर कांटो लग जाए तो वो गलियन में चिल्लिया कांटा लगा। और आपको इतने कांटे लगे आपने, आपको एहसास ही नहीं भाव, आपकी शरण में आ गए कांटे। आ समझ गए, यही बात है। कोई बात नहीं प्रभु, लो अब क्या करें, फूक लगा दे। भक्तराज बहुत देर से तुम्हारे समीप आए हैं, बैठे हैं, विश्राम किया, लेकिन कुछ ले आओ खाने पीने के लिए। काय तुम घर गए थे का? देखो तो ऐसे कह रहे जैसे पहला दिन धर गए हो, कह रहे कुछ खाने पीने के लिए हो तो लाओ, भूख लगी है। नहीं, अपने भक्तों के हाथों खाना चाहता हूँ। अच्छा, हाथों से खाए जाओ। ले प्रभु, अरे आपके लिए तुम परसों से हर दिन प्रतिदिन आपके लिए नाश्ता रखते थे, ये फल सजाकर, और के हमारे प्रभु खाएंगे। जो तो उल्टो हो रहो, हमारे गुरु जी ठाकुर जी को भोग लगा उठती सुबह तो तनक छिटकी चढ़ा देते, भी तो खाते ही नहीं हते, जे तो आरा के सो मुंह बारे हैं। लेकिन समझ गए, हमारे गुरु जी के ठाकुर जी बोलत नहीं हती, वो भी गोल गोल कर गया हते, जे बोलत हैं चलत हैं बात करत तो मुंह तो भाई। लो प्रभु खा लो, कब के भूखे हो, समझ गए, लो कब का तुम खा लो। नहीं हमें नहीं खाना। क्यों? हम 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाए। तो कहा है तुम आओ व्रत, तो तुम आओ का करवा चौथ को व्रत है का? अच्छा व्रत है, है लो तो मैया तुम खा लो। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तो सठ हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं जानता हूं, हे प्रभु ना भजन करना जानता हूं, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, तो इस सठ सुति क्षण को क्षमा कर देना प्रभु। भक्तराज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। है पूरी का ही रहूं तुम भी खाओ। अच्छा अवश्य खुआओ, हम कैसे खा ले, भगवान को हम खुआ रहे भी हमें ना खुआए, अब नहीं खाने। भाई वाह वाह, भाई वाह वाह, भाई वाह भाई वाह, पूरी महिमा भी तो मोरी मती थोड़ी, रवि सन्मुख खगोत उजोरी। हे प्रभु, क्या कहना चाहते हैं आप, बोले प्रभु। हे मुनि, मुझे प्रसन्न जान लीजिए, जो कुछ चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, पर मैं कभू न जाचा, समझना पड़े झूठ का साचा, तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहे देव दास की नाई। मैं नहीं जानता हूँ पर कैसा होता है, कैसा मांगा जाता है, आपको जो अच्छा लगे वो वरदान दे दे प्रभु। भक्तराज मैं तुम्हें अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर। जय हो प्रभु, जय हो। कही रमानी बासा हरस चले कुबजर से पासा। भक्तराज मैं तुम्हारे गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या बात है? आप गुरुदेव के पास जा रहे हैं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। बड़ी
विचित्र कहानी है हमारी। कहानी मुझे भी सुनाओ। एक तो है सत्य कथा, एक है मनोहर कहानी। अब तुम बताओ सत्य कथा सुनने के तुम्हें मनोहर कहानी। सत्य कथा। सत्य कथा तो ठीक है, रास्ते में सुनाते हो। चलो चले आओ संगे, चलो मैं सुनाऊ। एक बार की बात, हमारे गुरुजी को आई दावत यानी भंडारा। भंडारे की दावत आई, हमसे कहने लगे गुरुजी के सुदुक्षण मैं भंडारे का प्रसाद खाने जा रहा हूँ, तुम ठाकुर जी की पूजा करना, स्नान बना देना। मैंने कहा ठीक है। हमने क्या किया, ब्रह्म मुहूर्त में हमने सिंहासन उठाओ ठाकुर जी को, मैं ठाकुर जी के, हमने कही हमारे गुरु जी तामे के पात्र में इन्हें स्नान बना उतरत, आज इन्हें खुलो कर दो, खुलो स्नान बनाए। सो हम आपको नदिया पे ले गए, नदिया पे ले गए। और जैसे ही नदिया न पहुंचे से एक भारी बड़ो पेड़ लगो तो जामुन हो, और जामुन के करिया दीदी बड़े रार जामुन लगी थी। हमने जामुन देखे सो हमारे मुंह में पानी आ गयो, भूख बड़े आई, पेट में चूहा दौड़न लगे। फिर क्या हुआ, हम लगे जामुन तो खाने, सो हम पथरा देखन लगे, सो हमें कछु ना मिलो, नहीं मिलो सो आप धरे थे सिंहासन। हमने आपको उठाओ, उठा के और चूम के हमने जो अच्छी खरीदी डरज्जा जामू की, और चूम के हमने दो हत्तू जैसे तुम्हें दाओ, सो तुम ड्रैंगन में सर पर करत और जामू पड़पड़ा तो नदिया में, जामू होते ही गिराए पड़पड़ाए, लेकिन हमने खुआ ही खाए। अब हमने कोई ठाकुर जी को देख लें दू, सो हम नदिया में घुस गए, घूटन घुस गए, जांगन से घुस गए, फिर कमर से घुस गए, छाती से घुस गए, खूबे ढूंढो। अब हमने कहीं नाक से घुसत तो फिर सांस कहां से ले रहे, खूबे ढूंढो तो नहीं मिले। इसके बाद भूख और पड़े आई हमें, हमने चार छह दस जामू खाए सो और लगी भूख, तो छोटे ठाकुर जी धरे थी नहीं को उठा, हमने उठाओ चूम के तो हाथ अच्छी नज्जा में दाओ सब, जे जामू पड़ पड़ा तो जी भी नदिया में, ये चले गए। जामू खाए हमारी आत्मा तृप्त हो गई। अब हम लगी बड़े कक्का नहीं मिले तो हल्के कक्का मिल जाए, इन्हें खूब ही ढूंढो जे नहीं मिले। सो करिया हते ठाकुर जी और करिया रथ जामू, सो हमने एक बड़ो जामू एक हल्को जामू वही सिंहासन पे रख दे। अब हम आए आश्रम में, और जैसे ही शाम को गुरु जी आए और ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी उठे, बोले सुतीक्षण सिंहासन लाओ। हमने कही सुतीक्षण अब तेरी पीठ लाल होने वाली है। सिंहासन ले आए, और जैसे ही उन्हें तांबे के पात्र में आपको डालो, पानी डालो, बड़े जामुन में मेल लगो तो, हाँ हमने नहीं करो ध्यान, मेल लगो तो। सो हमारे गुरु जी बोले क्यों रे मूर्ख सुतीक्षण, तूने ठाकुर जी को कैसा स्नान बनाया, देखो तो कितना मेल लगा है। उनने का करो अंगूठा की ठेल लगा दी, अंगूठा की ठेल लगाई तो गुठली जाके इतने दूर गिरी उनके हाथ में पकला ले। बोले क्यों रे मूर्ख सुतीक्षण, ठाकुर जी को क्या हो गया है। हमने कही हमें का पतो, तुम चार बजे ठंड में सपराउ, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, और सालक राम सड़ गए सुती छड़का जानी। हमें नहीं पतो, लेकिन गुरु भगवान तो गुरु भगवान है, वो समझ गए, उन्होंने मेरी इतनी पिटाई लगाई। बोले जा सुतीक्षण मेरे आश्रम में नहीं आना, आना तो ठाकुर जी को लेके आना, आज हमारे साथ ठाकुर जी है, हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, आ जाओ। तुरंत सुती चढ़ी गुरु पाहे गए, गुरु जी सर ठाकुर जी कहाँ है। गुरु जी हमको मानना नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी मुनि बोलते थे हमारे, चलते हैं फिरते हैं बात करते हैं, ठाकुर जी को लेके आया हूँ और संगे मज्जा खो ले आए। अच्छा हाँ मिलवा दो, इतने रंजा होता ही है, कहा कुटिया के बाहर, चलो तो आ जाओ आ जाओ। ऐसे नहीं, पहले हमें कन्या लियो।
जय हो बांके बिहारी की, जय हो मदन मुरारी के, वाह 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 वाह, आप 25 का बांका जवान हो गया है, आ लेकिन दद्दू के गोद में चन्ना नहीं छोड़ा है। अपने ठाकुर जी के लिए तुमको क्या, मैं किसी भी को कन्या ले सकता हूँ। अच्छा आ जाओ आ जाओ, उरी सुनते अदस्तो तुरत उठ भागे, हरही बिलो को नयन जल जाए, आज ये दृश्य देख करके मुझे एहसास हो रहा है सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है जो कि अपने शिष्य को मार्गदर्शन देता है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। आज गुरु ने आश्रम से नहीं निकाला होता तो आज मुझे साथ साथ श्री राम के दर्शन नहीं होते, इसलिए कहा गया है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, इसलिए सर्वप्रथम गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए। कुल कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोसम भागवंत नहीं दूजा। ए प्रभु या कई गुरु, अब हम जा रहे गंगन की उसार करें, गोबर उबर डर हुई वो फेंक आए, और वह अपनी भूरी गज्जा ब्या पड़ी, और वह जर्सी गज्जा क्या बन हो गई। ठीक है तो हम जा रहे हैं, हम बच्चे ऋषिराज आप तो तीनों लोगों की जानने वाले हैं, अपने तप और ज्ञान से सदैव जन कल्याण करने वाले हैं, आप मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां पर हम कुछ समय रह सकें और यहीं समीप में इस वन में राक्षसों का विनाश कर सकें। भगवान आपकी जो यह महिमा है कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहां जाऊं, ये आपकी महिमा है कि संतों को बधाई देते हैं। हे प्रभु, मैं आपके भजन के प्रभाव से एवं सत्संग के प्रभाव से मैं कुछ जानता हूं कि आज उम्र का जो वृक्ष है वह आपकी विशाल माया है, और उसमें जो फल लगे हुए हैं वो अनेक ब्रह्मांड हैं, और फलों के अंदर जो जीव रहते हैं वो संसार के प्राणी हैं। हे प्रभु, उस प्राणियों को भक्षण करने वाला जो काल है वह काल भी आपके डर से डरता है। प्रभु यह तो आपकी महिमा है, यह बर मांगो कि पान कहता हृदय बसो से अनुज समेता। हे प्रभु, आपने जो पूछा है कि मैं कहां जाऊं कहां रहूं, आपके लिए इस समय उचित स्थान पंचवटी नामक स्थान है जो दंडकारण्य में है, वहां गोदावरी नदी सदैव बहती रहती है नाथ, हे नाथ, और दंडक वन में गौतम ऋषि का जो श्राप है उसको भी जाकर के दूर कीजिए। हे प्रभु, वही उत्तम स्थान है। हे ऋषिराज, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु चले राम तब आयो सपाजी, चले राम तब आयो सपाजी, गुरु तह पर गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाए। हेलो हेलो
यह 20 रुपया प्रमोद एवं सीताराम अहिरवार, 20 रुपया